वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही इस घंटे का बटन भी दबा दें ताकि हमारी सभी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बॉलीवुड की लाइमलाइट हर किसी को आकर्षित करती है और करोड़ों लोगों का सपना फिल्मों में काम करने का होता है, और उन सबके सहनशाह हैं अमिताभ बच्चन, जिन्हें दुनिया माचो मैन के नाम से भी जानती है। अमिताभ के इस पड़ाव पर भी दुनिया उनकी फैन है। आज भी अमिताभ के साथ काम करने के लिए लड़कियां उनका बिस्तर गर्म करने के लिए भी तैयार हैं। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं बॉलीवुड के इतने बड़े अभिनेता ने कुछ इतनी बड़ी गलतियां भी की हैं जिनके बारे में अमिताभ कभी बात नहीं करना चाहते। हम आपको इस वीडियो में अमिताभ की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी 3 गलतियों के बारे में बताएंगे जो कोई नहीं जानता। डी ग्रेड की फिल्में करना। अमिताभ ने अपने फिल्मी करियर में गंदी फिल्मों में भी काम किया है। इसके बाद उनके फैन उनसे काफी नाराज हो गए थे। ऐसी बोल्ड फिल्में करने पर अमिताभ को आज भी पछतावा होता है। फिल्म निस्बत में अमिताभ ने अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ ऐसे बोल्ड सीन दिए थे और बेहद गंदे डायलॉग बोले थे। उम्र के ऐसे पड़ाव में ऐसा करना दर्शकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वही बूम ग्रेड की बल्गर मूवी थी, और आज भी अमिताभ इस मूवी के सीन को देखकर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अमिताभ का राजनीति में आना। राजनीति में आना अमिताभ की सबसे बड़ी भूल थी, जिसे वो खुद भी स्वीकार करते हैं। अमिताभ राजीव गांधी के कहने पर राजनीति में आए थे। बात ये थी कि सन 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी अपने वफादारों की टीम बना रहे थे, और उन्हें विरोधियों के खिलाफ एक ऐसे प्रत्याशियों को खड़ा करने की जरूरत थी जो उनके विरोधियों की हार सुनिश्चित कर सके। ऐसे में उन्होंने इलाहाबाद से हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ अमिताभ के नाम का चयन किया, और नतीजा ये आया कि अमिताभ ने चुनाव जीत लिया। उसके साथ ही अमिताभ अभिनेता के साथ साथ नेता भी बन गए थे। फिल्मों में काम करना और राजनीति में अमिताभ साथ साथ कर रहे थे। इस दौर में अमिताभ की कई फिल्में भी रिलीज हुई, जिसमें फिल्म मर्द ने अच्छा खासा बिजनेस किया। फिल्मों में ज्यादा काम होने के कारण अमिताभ राजनीति से दूर हो गए, जिसका नुकसान उन्हें बाद में झेलना पड़ा, जिसमें पांडु घोटाले में को घसीटा गया। अमिताभ ये दबाव झेल नहीं पाए और उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। अमिताभ का मीडिया के साथ विवाद। अमिताभ का नाम 1995 के दौरान मीडिया हाउस के साथ कई विवादों में जुड़ चुका है। यहाँ तक कि उस समय मीडिया हाउस के द्वारा एक भी स्टार ट्रस्ट को बंद करने का प्रयास भी किया जा चुका है, लेकिन वो इस काम में असफल रहे, जिसके बाद अमिताभ को मीडिया के साथ पंगे लेने के लिए काफी परेशानी भी झेलनी पड़ी थी। दोस्तों, अब हम जिन लोगों के नाम बताने वाले हैं वो हमारी वीडियो को लगातार देखते हैं और लगातार कमेंट करते रहते हैं। पहली है नेहा रानी और दूसरे है दीपक ठाकुर। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपका भी नाम हमारी वीडियो में लें, तो आप हमारी वीडियो को देखें और कमेंट जरूर करें, और इसी तरह की रोमांचक रहस्यमय जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।